गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट और कौन से प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है और कुछ नए टेक्निक्स भी यूज़ किया है इस ट्रीटमेंट में। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हैं हेयर जिन पे हम करने वाले हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं। देखिए, आप नज़दीक से देखेंगे तो देखिए हेयर की कंडीशन ये थी। और अगर इस टाइप के हेयर आपके हो गए हैं आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट प्री लाइटनिंग, तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिपेयर हो जाएगा आपका, आपके हेयर, और बहुत अच्छे कंडीशन में हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस करने से पहले आपको क्लाइंट का हेड वॉश करना है। इसके लिए मैंने अमेज़ॉन सीरी का प्योर डीप क्लिंजिंग शैम्पू ये यूज़ किया है। तो आपको क्लिंजिंग शैम्पू इस टाइम पे यूज़ करना है, और जो शैम्पू करना है वो एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको यूज़ करना है। वो क्यों करना है? ताकि जो डस्ट है, डर्ट है, जितना भी ऑयल कंटेंट है आपके हेयर के हेयर में, वो सारा का सारा निकल जाए। और जब हम कैरेटिन ट्रीटमेंट करें तो बहुत अच्छे से आपके हेयर में पेनिट्रेट हो, डिपॉजिट हो। तो उस चीज़ के लिए आपको शैम्पू 2 से 3 बार करना है। जैसा आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वॉश है, तो इसमें आपको 2 से 3 बार वॉश ज़रूर करना है, बिकॉज़ यही स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कैरेटिन ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत अच्छे से आप वॉश करेंगे। जब ये करेंगे तो हेयर आपको लगेंगे कि थोड़े ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं, बट डोंट वरी, आफ्टर कैरेटिन ट्रीटमेंट हेयर बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से देखें। और अगर बात करें ये शैम्पू की, तो आपको ये शैम्पू जो है वो अमेज़ॉन पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप नायका पे भी सर्च कर सकते हैं, बट आई थिंक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, और मेरे पास जब सेम ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल होते हैं तो फिर मैं ये कैरेटिन ट्रीटमेंट में शैम्पू यूज़ करती हूँ। अब इस शैम्पू करने के बाद आपको करना है ब्लो ड्राई। तो बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, बिकॉज़ कैरेटिन हमें देनी है हेयर में, तो ऐसा नहीं हो कि मॉइस्चर रहे हेयर में। तो आपको कम्प्लीटली ड्राई कर देना है हेयर को। और देखिए, आप कंडीशन देखिए हेयर की, काफ़ी फ्रिजी, ड्राई, डैमेज हो गए हैं। और इस टाइप के अगर हेयर हैं तो यहाँ पे आपको कैरेटिन ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। हेयर स्पा इसके बाद आप लेते रहिएगा। जो कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद के हेयर स्पा होते हैं वो आपको लेना है, और जो होम केयर प्रोडक्ट रिकमेंड करे सैलून पे, प्रोफेशनल जो आपको रिकमेंड करते हैं, वो आपको ज़रूर यूज़ करना है, ताकि ये मेंटेन रहे प्रोसेस और हेयर जो हैं वो अच्छे कंडीशन में बने रहें। तो कई बार आप समझ नहीं पाते हैं, आपने कलर किया है, रिबॉन्डिंग ली है, स्मूथनिंग ली है, बट प्रॉपर होम केयर की वजह से, प्रॉपर होम केयर ना लेने की वजह से ये दिक्कत आती है। तो ये है प्रोटेक। प्रोटेक की कैरेटिन ट्रीटमेंट मैं करने वाली हूँ आज। आपने इससे पहले भी देखा है, कई बार मैंने यूज़ भी किया है इस प्रोडक्ट को, बट ये अभी मेरे पास फ्रेश पीस आया था। तो इसका आप देखिए किस तरह से आपको करना है। स्मॉल सेक्शन लेना है और इस तरीके से कैरेटिन को रख के, और आपको बहुत अच्छे से इमल्सीफाई करना है हेयर में। और हेयर देखिए, आप बिल्कुल ड्राई हैं, मीन्स ब्लो ड्राई किया हुआ है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अब हम इसको करेंगे इमल्सीफाई। तो जब आप प्रोटेक्ट की ये कैरेटिन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इसमें फ्यूम्स होता है। यस, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी, जब आपको इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़े से फ्यूम्स होंगे, बट एप्लीकेशन के टाइम पे ही होंगे। जब आप प्रेसिंग करेंगे उस टाइम पे कोई फ्यूम्स नहीं होता है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़े से फ्यूम्स लगेंगे, लाइक अनियन में जैसे लगता है आपको, उस तरह के फ्यूम्स लगेंगे थोड़े से, बट जब आप प्रेसिंग करेंगे तो कोई फ्यूम्स नहीं रहेगा। बड़े आसानी से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इमल्सीफिकेशन के बाद ही आपको दिख रहे होंगे कि थोड़े हेयर अच्छे कंडीशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन आपको पूरे हेयर में ये अप्लाई कर देना है। और एप्लीकेशन के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि रूट्स पे अप्लाई ना करें। कोई भी केमिकल आप रूट्स पे ना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज रूट्स के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बने हैं। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। और यस गाइज, अगर कोई भी प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
सारे आंसर आपको मिलेंगे। और यस, जो भी क्वेरीज होती है पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन करना है और पूरे हेयर में सेक्शन बाय सेक्शन काम कीजिए। जितना नीटली और जितना परफेक्टली आप काम करेंगे, रिजल्ट वैसा ही मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमको जब भी हेयर पे काम करना है बिल्कुल नीटली काम करना है, परफेक्शन के साथ काम करना है, तो रिजल्ट भी वैसा ही आता है। तो कंप्लीट कैरेटिन एप्लीकेशन के बाद आपको जो ये है कैरेटिन, वो एटलीस्ट 40-50 मिनट्स रखना है। और यहाँ पे कुछ नया ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, आप ज़रूर देखें कि हम कैसे करते हैं रिज़ल्ट लाने के लिए। तो देखिए, अब इस तरह से मैंने इनको रैप कर दिया है और इसको अब मैं रैप करने वाली हूँ एल्युमिनियम फॉइल में। यस, क्लीन शीट हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा हीट देना है इसमें, तो मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज ये विंटर्स हैं तो जो प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेशन उसका हीट से होता है, बहुत अच्छे से होता है, तो हल्का सा हमको हीट देना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल, जैसा आप प्रोसेस देख रहे हैं। मैं एल्युमिनियम फॉइल बिल्कुल अच्छे से रैप कर दूँगी और इस पर हल्का सा ही हीट दूँगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको हीट देना है, बिकॉज़ ये विंटर्स है, विंटर्स में एनवायरनमेंट थोड़ा सा ठंडा होता है, तो ये हीटअप हो इसके लिए हल्का सा आपको हीट देना है ड्रायर से। तो इसी तरीके से देखिए, हीट देना है और 20 मिनट बाद फिर से हीट आप दीजिए, ताकि हीट अच्छे से जनरेट हो और प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन आपका बहुत अच्छे से हो। तो ये प्रोसेस मैंने स्मूदिंग में भी बताया है। जब आप स्मूदिंग करते हैं और अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो हल्का सा आपको उसको हीटअप करना है, तो वो प्रोसेस आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसको रखना है कम से कम 50 मिनट और उसके बाद आप देख रहे हैं ब्लो ड्राई हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ब्लो ड्राई करना है, बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, और इस ब्लो ड्राई के बाद आपको करनी है प्रेसिंग। तो सेक्शन बाय सेक्शन बहुत नीटली और अच्छे प्रेसिंग मशीन का यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे जो हीट है वो 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हीट की अच्छी और प्रेसिंग मशीन अच्छी होनी चाहिए इस प्रोसेस के लिए, तो रिज़ल्ट भी आपको वैसा ही मिलता है। तो ये देखिए, प्रेसिंग के बाद भी आपको रिज़ल्ट दिख रहा होगा कि किस तरह से रिज़ल्ट आया है। और यस, ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। आई डोंट नो कि अमेज़न पे ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं है, बट जो हमने सप्लायर से लिया है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है इस प्रोडक्ट का। और ये मेरा न्यू पैक है जो हमने अभी किया है इस पर। तो रिज़ल्ट देखिए आपके सामने है और कम्प्लीटली रिपेयर हो गए हेयर। तो यस, अगर आपको ये यूज़ करना है और रिज़ल्ट आपके सामने हैं, देखिए कम्प्लीटली रिपेयर हो गए हेयर, काफ़ी ड्राई डैमेज थे। होपफुली ये भी रिज़ल्ट आपको पसंद आए। और यस, प्रोडक्ट का एक बार रिव्यू, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की बिल्कुल ऑथेंटिसिटी जान के तभी परचेज करें, और रिज़ल्ट होपफुली आपको पसंद आए। देखिए कितने अच्छा रिज़ल्ट आया है इस प्रोडक्ट का। तो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में, जिसमें कुछ नए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ऐसे ही ट्यून रहिए, कनेक्टेड रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।